नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे कि एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बताएंगे कि भारत की कूटनीति का हुआ है असर। चीन ने अलापा शांत का राग, नेपाल भी विवादित नक्शे पर पीछे हट गया। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर क्या है, उससे आगे बताएंगे जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत चीन के बीच मध्यस्थता की पेशकश, बोले सीमा विवाद सुलझाने के लिए अमेरिका है पूरी तरह तैयार। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, उससे आगे बताएंगे जहाँ पर भारत की नीतियों से परेशान हुआ इमरान खान, बताएंगे क्या कहा उसने। उससे आगे बताएंगे जहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन को लेकर जल्द करूंगा बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, बताएंगे किस प्रकार की घोषणा करेंगे। साथ ही सीबीएसई का बड़ा ऐलान, लॉकडाउन के दौरान अपने होम टाउन में दे सकते परीक्षा। जी हां दोस्तों, 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है, बड़ी स्कीम, बड़ी योजनाएं हम आपके लिए लेकर आए, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा बीच में, साथ ही अभी इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि भारत की कूटनीति का असर देखने को मिला है। चीन ने अलापा शांति का राग, नेपाल भी विवादित नक्शे पर पीछे हटा। जी हाँ दोस्तों, बता दे आपको, भारत ने जबरदस्त कूटनीति का नमूना पेश करते हुए सीमा विवाद के मुद्दे पर चीन और नेपाल को एक साथ कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच चीन ने जहाँ अचानक शांति का राग अलापना शुरू कर दिया है, तो नेपाल ने भी नक्शा विवाद मामले में विधेयक वापस ले लिया। जी हाँ दोस्तों, इसे विवादित नक्शे से जुड़ा विधेयक नेपाली संसद में पास नहीं हो पाया। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच चीन ने अब शांति का राग अलापा है। मंगलवार को सेना को तैयार रहने का निर्देश देने के बाद बुधवार को पहले चीन विदेश मंत्री ने सीमा पर भारत के साथ सीमा पर स्थिति को स्थिर और नियंत्रण में बताया। वहीं भारत में चीन के राजदूत ने मतभेदों को बातचीत के जरिए मिटाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चाइनीज ड्रैगन और भारतीय हाथी एक साथ नृत्य कर सकते हैं। चीनी राजदूत ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत चीन शांति एकमात्र सही विकल्प है। उन्होंने मतभेद समाप्त करने के लिए तंत्र का हवाला देते हुए कहा, मतभेद का असर संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए और भारत और चीन मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, न कि किसी तरह का कोई विवाद। तो दोस्तों, ये बड़ी बात कही है चाइना के अम्बेसी राजदूत जो भारत में है, उन्होंने कही ये बात। इसको लेकर आप क्या मानते हैं दोस्तों, कि चाइना अमन चाहता है दोस्तों, या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, जरूर बताइएगा, या चाइना कभी भी धोखा दे सकता है दोस्तों, हमें सतर्क रहना चाहिए। आपको जो लगता हो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने की है भारत चीन के बीच मध्यस्थता की पेशकश, कहा सीमा पर विवाद सुलझाने के लिए अमेरिका हमेशा है तैयार। जी हां दोस्तों, बता दें आपको, भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने दोनों देशों से कहा है कि हम सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट करके ये बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति की पेशकश पर दोनों देशों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। हाल के ही दिनों में लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन की सेनाओं ने अपनी उपस्थिति काफी हद तक बढ़ाई है। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है, क्या भारत और चीन को डोनाल्ड ट्रंप का साथ लेना चाहिए, उनको मध्यस्थता में बैठाना चाहिए? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को लाना सही होगा या गलत? आपकी जो भी राय हो दोस्तों, जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि भारत की नीतियों से परेशान हुआ इमरान खान, बताया पड़ोसियों के लिए खतरा। जी हां दोस्तों, बता दें आपको किस संक्षेप में बात है ये। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को आरोप लगाया है कि भारत की अहंकार से पूर्ण विस्तारवादी नीतियां उसके पड़ोसियों के लिए खतरा बन रही है। खान ने पाकिस्तान के सदाबहार सहयोगी चीन का पक्ष लेने का भी प्रयास किया। इमरान खान ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, नाजी विचारधारा की तरह भारत सरकार की अहंकार से पूर्ण विस्तारवादी नीतियां भारत के पड़ोसियों के लिए खतरा बन रही है। नागरिकता कानून
कानून के माध्यम से बांग्लादेश सीमा विवाद के जरिए नेपाल और चीन के लिए और झूठे अभियान चलाकर पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किलें पैदा की जा रही है। तो दोस्तों इस तरह से बेबुनियादी बातें करके इमरान खान भारत को लेकर दुनिया में भारत को नीचा दिखाना चाहता है। दोस्तों ऐसे में आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में, और अब तक के आपको पाकिस्तान का कौन सा प्रधानमंत्री इमरान खान से बेहतर लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। हमें चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दे कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन करने पर अड़े हैं ट्रंप, सांसदों ने जताई चिंता। जी हां दोस्तों बता दे आपको, व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन राजधानी में करने का पक्का मन बना लिया है। हालांकि इस क्षेत्र से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने चेतावनी दी है कि यह इलाका बड़े आयोजन के लिहाज से तैयार नहीं है। गौरतलब है कि यह क्षेत्र कोरोना वायरस से बहुत बुरी तरह प्रभावित है। इस तरह के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस के सदस्यों ने रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और गृह मंत्री डेविड बर्नहार्ड को मंगलवार को पत्र लिखा था, लेकिन व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जड डियर ने दोहराया कि ट्रंप स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन करना चाहते। तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों की क्या राय है कि ऐसे में ट्रंप को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन करना चाहिए या नहीं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन को लेकर जल्द करूंगा बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों बता दें आपको, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर इस सप्ताह के अंत तक कोई बड़ी घोषणा करने का वादा किया है और संकेत दिया है कि वो चीन को दंडित करने के बारे में हो सकता है। ट्रंप ने मंगलवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा, हम कुछ करने जा रहे हैं और मुझे लगता है यह आप लोगों को पसंद आएगा, लेकिन इसकी घोषणा मैं आज नहीं करूंगा। जी हां दोस्तों, उन्होंने चीन और हांगकांग के बीच चल रहे मसले को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाए जाने के सवाल पर कहा, इसकी घोषणा आप इस सप्ताह के अंत तक सुनेंगे और मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है। इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काइले मैकेनिनी ने गुरुवार को कहा था कि हांगकांग के प्रति चीन की कार्यवाही से राष्ट्रपति पूरी तरह नाराज है। तो दोस्तों ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भड़के हुए चाइना को लेकर, इसको लेकर वो बड़ा कुछ ऐलान कर सकते हैं। दोस्तों जैसा भी हो हम आपको तुरंत बताएंगे, उसके लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों हमारे चैनल को। और आप क्या अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार का ऐलान कर सकते हैं जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें सीबीएसई का बड़ा ऐलान, लॉकडाउन के दौरान अपने होम टाउन में दे सकते हैं परीक्षा। जी हां दोस्तों, कोरोना के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे अपने गृह जिलों या अन्य प्रदेश में चले गए हैं उन्हें अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई उनकी 10वीं और 12वीं की परीक्षा उन्हीं जिलों में करवाने का प्रयास कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी दी है। निशंक ने कहा है, कोरोना संकट के कारण हजारों बच्चे अपने गृह प्रदेश में चले गए थे, ऐसी स्थिति में बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे विद्यार्थियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने यह फैसला लिया है कि ऐसे विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा अपने गृह जिले में ही दे सकते हैं। तो दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जिनके बच्चे या वो खुद सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में पढ़ रहे हैं और 10वीं और 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा, और वो किस राज्य में किस जिले में पहुंच गए कृपया करके वो भी जरूर लिख दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें चीन के खिलाफ चौका मारने का ये है मौका। जी हां दोस्तों, भारत बन सकता है सप्लाई चेन का पहिया, मगर राह में है ये 4 बड़ी बाधाएं। बता दे दोस्तों आपको, कोरोना महामारी ने चीन की छवि को वैश्विक स्तर पर धूमिल किया है, साथ ही बढ़ता कामगारों का वेतन और अमेरिका के साथ कारोबारी तनाव ने भी चीन की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है। इसके चलते दुनिया भर की कंपनियां चीन से निकलकर दूसरे देशों में फैक्ट्री लगाने की तैयारी कर रही है, भारत इसका फायदा उठा सकता है। जी हां दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना महामारी ने भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन यानी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का पहिया बनने का बड़ा मौका दिया है। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं है, वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत को कई बड़े बदलाव करने होंगे। दोस्तों आप क्या मानते हैं कि मोदी सरकार अगर है तो भारत जल्द से जल्द आगे बढ़ सकता है? अगर आपको भी यही लगता है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता दीजिएगा, और मोदी जी को आप कितना सक्षम प्रधानमंत्री मानते हैं दोस्तों अवश्य लिख दीजिएगा। चलते
और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन तो था ही, अब टिड्डी दल का मंडराया खतरा। जी हां दोस्तों, साल 2020 जैसे अपने साथ कई संकट लेकर आया है। देश एक तरफ कोरोना वायरस के अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर भारत के कई राज्यों में आसमान से एक दूसरा संकट टिड्डी दलों की शक्ल में छाया हुआ है। खास बात यह है कि दोनों ही संकट भारत से, भारत के बाहर से आए हुए हैं। भारत के सीहोर, जयपुर, झांसी और छतरपुर में टिड्डी दलों की भयावहता नजर आई है। टिड्डियों के कई दल एक राज्य से दूसरे राज्य में आसमान में घूम रहे हैं, वहां की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। ये टिड्डी दल किसी भी हरी भरी जगह बैठ जाते हैं और देखते ही देखते फसल को चट कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फसलों के लिए यह बहुत बड़ा संकट है। इस बार जो टिड्डी दलों का हमला हुआ है वो बीते 27 सालों में सबसे बड़ा घातक है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 27 सालों में सबसे बड़ी घात पहुंचाई है टिड्डियों ने। इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और इन टिड्डियों को भगाने का क्या उपाय है दोस्तों, अगर आप कोई अपने तरीके से आपको कोई उपाय पता हो दोस्तों तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि और लोगों को पता चले। और दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पे ये टिड्डी दलों का हमला हुआ है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की और दोस्तों, जहाँ पर आपको बता दे गूगल 6 जुलाई से खोलेगा अपने ऑफिसों को, कर्मचारियों को देगा 75,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, चलते एक और बड़ी खबर की और जहाँ पर आपको बता दे चीन के छक्के छुड़ाएगा स्वदेशी तेजस, इसराइल की इस मिसाइल से है लैस। बता दे आपको, चीन के साथ लद्दाख और अन्य सीमाओं पर लगातार चल रहे विवाद के बीच भारतीय वायुसेना ने अपनी 18वीं स्क्वाड्रॉन को सक्रिय कर दिया है। इसका आदेश एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया ने दिया है दोस्तों। उन्होंने सुलूर में स्थित 18वीं स्क्वाड्रॉन में तैनात फ्लाइंग बुलेट्स यानी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस को सक्रिय रहने के लिए कहा है। 18वीं स्क्वाड्रॉन का ध्येय वाक्य है तीव्र और निर्भय, यानी दुश्मन से तेज और ना डरने वाला। तो दोस्तों, ऐसे में आप क्या मानते हैं, अगर चीन और भारत के बीच किसी भी तरह का अगर कोई विवाद या युद्ध हुआ तो भारत सक्षम है या नहीं दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें कि सिंधिया की राह पर रायबरेली की विधायक अदिति सिंह, ट्विटर से INC को हटा दिया। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर ट्विटर से कांग्रेस पार्टी के चिन्ह को, कांग्रेस पार्टी के नाम को अदिति सिंह ने अपने नाम के आगे से हटा दिया है दोस्तों। इसको लेकर आप क्या मानते हैं जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां पर आपको बता दे दिल्ली हिंसा से जुड़ी खबर आ रही है कि क्राइम ब्रांच की रिमांड पर पिंजड़ा तोड़ ग्रुप की दोनों छात्राएं। बता दे आपको, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश की राजधानी में इस साल फरवरी के महीने में हिंसा भड़क उठी थी। दिल्ली हिंसा मामले को लेकर अभी जांच जारी है और गिरफ्तारियां भी हो रही है। हाल ही में दिल्ली हिंसा मामले में 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है जिनको अब क्राइम ब्रांच ने रिमांड पर ले लिया है। तो दोस्तों, ऐसे में इन दोनों को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दे केंद्र से दिल्ली मेट्रो चलाने की अपील, कैलाश गहलोत बोले बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि दिल्ली मेट्रो को चला देना चाहिए और अब से सुविधाएं चालू कर देनी चाहिए दोस्तों, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें महाराष्ट्र से बड़ी ही दर्दनीय खबर आ रही है दोस्तों, 24 घंटे में कोरोना से 105 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, मरीजों की संख्या 57,000 के करीब पहुंच गया है, बड़ी ही भयावह खबर थी। आप ऐसे में महाराष्ट्र में किसको दोष देते हैं दोस्तों कि इस प्रकार की लापरवाही हुई है और इतने लोग 24 घंटे में मारे जा रहे हैं वो भी कोरोना से, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी पर साधा है निशाना, ट्वीट करके लगाया है गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। धनखड़ ने CM ममता बनर्जी से चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द हालात सामान्य और जमीनी स्तर पर राहत पहुंचाने की अपील की है। जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट में लिखा, बिजली, पानी और अन्य जरूरी सेवाएं तत्काल सामान्य किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी, ये मीडिया में दावों का समय नहीं है, अब जमीनी स्तर पर राहत पहुंचाने की जरूरत। अगर आप मानते हैं दोस्तों कि जगदीप धनखड़ ने बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक बात कही है ममता बनर्जी को, दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। साथ ही आप लोग क्या कहना चाहते हैं ममता बनर्जी को इस हालात में, जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की और जहां
पर आपको बता दे, ट्विटर ने राष्ट्रपति के ट्वीट को बताया फेक न्यूज। तो ट्रंप ने कहा चुनाव में हस्तक्षेप ना करे ट्विटर। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर ने मंगलवार को ट्रंप के उस ट्वीट पर यह चेतावनी जारी की थी जिसमें ट्रंप ने मेल के जरिए मतदान को फर्जीवाड़ा बताया था और भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि इन मेल बॉक्स को लूट लिया जाएगा। ट्रंप ने ट्विटर की चेतावनी के बाद मंगलवार को ट्वीट करके कहा कि ट्विटर अब 2020 में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है। उनका ये कहना है कि मेल के जरिए मतदान संबंधी मेरा ये बयान गलत है कि इससे व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा फैलेगा। उसका ये कथन फर्जी समाचार देने वाले CNN और Amazon वॉशिंगटन पोस्ट की तथ्य संबंधी जांच पर आधारित है। दोस्तों ऐसे में आप क्या मानते हैं कि ट्विटर डोनाल्ड ट्रंप में से कौन सही है? दोस्तों जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें लिपुलेख सड़क से लोगों को मिलेगी राहत, 21 दिन के बदले एक दिन में पूरी होगी मानसरोवर की यात्रा। जी हां दोस्तों, भारत और नेपाल सीमा पर लिपुलेख और काला पानी पर चल रहे विवाद के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से लिपुलेख तक भारत ने 80 किलोमीटर की सड़क बना डाली है। जी हां दोस्तों, इससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो पहले 21 दिन में पूरी होती थी अब वो महज एक दिन में पूरी हो जाएगी। ये बड़ी खबर थी दोस्तों। अगर आप मानते हैं कि ये मोदी सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया और बिल्कुल सही राह बनाया है दोस्तों, तो आप मोदी सरकार के बारे में दो लाइन अच्छी जरूर लिख देगा और मानसरोवर यात्रा के लिए जो रोड बना है उसके लिए मानसरोवर को जय मानसरोवर जरूर कर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर क्यों दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि भारत की जमीन को अपने नक्शे में दिखाने के विवाद में झुका नेपाल, संविधान संशोधन टाल दिया गया है। साथ ही आपको बता दें दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज खेलेगा भारत, एडिलेड में होगा डे नाइट मैच। अगर आपको मैच से जुड़ी कोई और खबर चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो अभी इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में शेयर कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा दोस्तों, और साथ ही हो सके तो कम से कम